नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑफ सेल, या इसे हम इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं, ऐसी डिवाइस जो किसी भी केमिकल एक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे उसे इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय केमिकल एक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सिंपली सेल। इसमें होता यह है, एक ग्लास पॉट में एक एसिड रखा जाता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, दो मेटल रॉड रखी जाती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक रॉड को कैथोड बोलते हैं, एक रॉड को एनोड बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब एक बार करंट मिल जाती है दोबारा यूज़ नहीं करते, जैसे घड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सेल। सेकेंडरी सेल जिनसे हम बार बार जिसको चार्ज करते हैं और बार बार करंट उससे लेते हैं, जैसे आपके घरों में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की जो बैटरी है वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज़ योर बैटरी। बैटरी का मतलब ये होता है, टू और मोर देन टू प्राइमरी सेल्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड एंड यूज एज ए सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड बैटरी। मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल जो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किए गए हैं एक सिंगल यूनिट के रूप में, जिनसे ज़्यादा करंट मिले, मीन्स सेलों का कॉम्बिनेशन ये बैटरी है। और एक बैटरी जितना चार्ज स्टोर कर सकती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी, इसे एम्पियर आवर में शो करते हैं। मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज़ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। मोबाइल खरीदते समय बैटरी एम्पियर आवर में ली जाती है, एम्पियर आवर जो है वो बिगर यूनिट है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, EMF बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू इट्स नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड EMF डिनोटेड बाई E। मतलब ये है, सेल के नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल के बीच अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराया जाए तो जो वर्क होगा वही कहलाएगा EMF। मतलब आपको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को सेल से जोड़ना पड़ेगा। ये E होता है टोटल वर्क अपॉन चार्ज, W/Q इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अगला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इलेक्ट्रोड के बीच में वही कहलाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे R से डिनोट करते हैं। ये निम्न फैक्टरों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कैसा आपका इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, कम है तो कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर को हम घटा दें तो ये बढ़ जाता है। इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोड का एरिया इलेक्ट्रोलाइट में मस्ट है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।